जनपद में 12वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस पूरे उत्साह के साथ गुरु गोरक्षनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने मतदाताओं को बिना प्रलोभन भय एवं निष्पक्ष मतदान के लिए शपथ दिलाई। इस अवसर पर उनके साथ जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में 10 नए मतदाताओं को मतदाता पहचान पत्र वितरित किया गया तथा लगभग 20 दिव्यांगों को अग्रदूत के रूप में सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त निर्वाचक अग्रदूतों को मेडल पहनाकर सम्मानित किया गया। यह अग्रदूत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का कार्य करेंगे। इसके साथ ही अपने अपने क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान करने वाले BLO सुपरवाइजर को भी प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर संकेत मुख बधिर विद्यालय के छात्र छात्राओं द्वारा गीत एवं नृत्य के माध्यम से मतदान के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर जनपद न्यायाधीश ने कहा कि मतदान लोकतंत्र में पुनित कर्तव्य है। निर्वाचन में भागीदारी बढ़ाने के लिए ही आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को मजबूत बनाने में युवाओं की महती भूमिका होती है एवं समाज हित में तथा देश के लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखने के लिए जुड़ने हेतु मताधिकार का प्रयोग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भारत का संविधान सर्वोपरि है और उसमें मताधिकार का प्रयोग करने हेतु शक्ति प्रदत्त है। इस अवसर पर जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर सभी मतदाताओं को अपनी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि निर्वाचन एक महायज्ञ की भांति होता है। हर मतदाता की भागीदारी लोकतंत्र को मजबूत बनाने में सहायक होगी। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने हेतु प्रतिबद्ध है। उन्होंने जनपदवासियों से अपील की कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग निर्भीक होकर करें। मतदाताओं की सुविधा के लिए बूथों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं जैसे रैम, पेयजल, विद्युत, शौचालय आदि की व्यवस्था की गई है। उन्होंने मतदान प्रतिशत बढ़ाने की अपील करते हुए कहा कि इस कार्य में सभी मतदाताओं का सहयोग आवश्यक है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी बूथों पर COVID-19 से बचाव हेतु सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था रहेगी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन अवश्य किया जाए। इस अवसर पर स्वागत संबोधन उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश कुमार सिंह एवं धन्यवाद ज्ञापन ज्वाइंट मजिस्ट्रेट कुलदीप मीणा ने किया। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, CGM मंगल देव सिंह, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देवेंद्र कुमार द्वितीय, SPCT सहित विभिन्न विभागों के संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी विजय किरण आनंद एवं जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी ने कहा। अरे रुको रुको यार, हम लोग हो नहीं, आपको लेके चलना था सर। अरे नहीं नहीं मत करिए, अरे हम लोग तो हो सर, अभी जब आ जाएंगे सर को लेके यहाँ तक आएंगे। अच्छा, वो SPCD साहब आ जाएंगे। हाँ, SPCD साहब तो आ गए। जितने भी शेष कैप है आप कृपया उसे पहना दें। विकास कुछ ऐसा काम करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे, अपने अधिकारों का मिलकर हम सम्मान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे, चलो मतदान करे। स्वागत। साथ ही साथ मंच पर उपस्थित रिस्पेक्टेड DM सर दिशा कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं और कार्यक्रम का शुभारंभ सर्वप्रथम हम शपथ और संकल्प के साथ प्रारंभ करेंगे। इसलिए सर से विनम्र अनुरोध है कि सर आप शपथ के द्वारा हमारे आज उपस्थित। हम सर से विनम्र अनुरोध करते हैं कि सर आप कृपया शपथ दिला करके कार्यक्रम का शुभारंभ करें। हमारे साथ हम सब मिलकर पुनः बोलेंगे। हम भारत के नागरिक, हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में, लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था, अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए, रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि, यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की, हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की, लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा बनाए रखेंगे, मर्यादा को बनाए रखेंगे, शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण रखेंगे, अक्षुण रखते हुए निर्भीक होकर जाति जाति समुदाय समुदाय भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे धन्यवाद आप सबसे अनुरोध है कि आप सभी का स्वागत के लिए हम सबसे पहले हमारे बीच में आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिस्पेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जज सर का आप हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सर को कुछ प्रदान करके उनका हार्दिक स्वागत करें सर एक हम सभी ओर से यह एसबीसीडी सर का स्वागत पुष्पगुच्छ के साथ करने के लिए रिस्पेक्टेड एसओसी सर से इस अवसर पर हमारे बीच में अतिथिगणों का स्वागत है मतदाता जागरूकता दिवस के इस कार्यक्रम का शुभारंभ है मतदाता दिवस है 25 जनवरी है ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है और ये हमारा 12वां मतदाता दिवस है मैं संक्षिप्त सी जानकारी इस अवसर पर देना चाहता हूँ हमारा जो जनपद गोरखपुर है उसमें 9 विधानसभाएं हैं और प्रत्येक विधानसभा में संक्षेप में कैंपियरगंज में हमारे जो टोटल मतदाता हैं वो 381,577 हैं पिपराइच में 402,796 हैं गोरखपुर अर्बन में हम सब जहां बैठे हैं ये गोरखपुर अर्बन है यहां की जो हमारा मतदाता है वो 453,662 हैं गोरखपुर रूरल 412,471 है सहजनवा 374,204 है खजनी 375,491 है चौरीछोरा 351,944 है बांसगांव 377,106 है चिल्लूपार 426,424 है हमारे पूरे जनपद में 9 विधानसभाएं हैं मतदाताओं की दृष्टिगत गोरखपुर अर्बन में सबसे अधिक मतदाता हैं और बूथ के दृष्टिगत हमारा जो सबसे बड़ी विधानसभा है वो चिल्लूपार है ये एक संक्षिप्त सी जानकारी है पिछले 3 महीने में मतदाता सूची की परीक्षण का कार्य किया गया था आप सब लोग आशा है मतदाता बन गए होंगे लेकिन अभी भी मेरा अनुरोध है यदि सदन में या आपके परिचितों में भी विशेष तौर पे यंगस्टर्स या जो हमारी महिलाएं हैं या जो हमारे दिव्यांगजन हैं या विशेष तौर पे हमारे बीच में ट्रांसजेंडर्स हैं आप लोग हाथ उठा दें एक बार हमारे किसी कार्यक्रम में पहली बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं आपका स्वागत रहेगा और मेरा अनुरोध रहेगा कि आगे के सभी कार्यक्रमों में आप लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें श्री राकेश कुमार त्रिपाठी जी कंठध्वनि के साथ इनका उच्चारण कि यही मतदाता हमारे राष्ट्र के निर्माण के लिए इनका योगदान इस यज्ञावती में अपने एपी कार्ड को प्राप्त करते हुए इसके सुश्री आशीष शुक्ला जी सुश्री शिखा विश्वकर्मा गुप्ता जी सुश्री शिखा विश्वकर्मा श्री रतनदीप सिंह आदित्य गर्ग जी इसके उपरांत हमारे बीच में स्पर्श बालक श्री ईशान जी अपने मतदाता पहचान पत्र श्री संजय गर्ग Oh,
है रिस्पेक्टेड डीजे सर के हाथों से, हमारे रिस्पेक्टेड डीएम सर के कदमों से मेडल ब्लू। इसमें से अधिकांश छात्र ऐसे हैं अपने अपने फील्ड में एक अच्छा का करने का कार्य कर रहे हैं, इसलिए से अपने मेडल को प्राप्त करते हुए यह निर्वाचक अग्र प्राध्यापक डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर में जो है बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में वर्क करने वाले लोग, कुछ ऐसे नई युवा पीढ़ी हैं जिन्हें इस समय है तो उन्हें ये मेडल दस्तक दे करके, जैसा कि हमारे रिस्पेक्टेड डीएम सर पर जाकर के दस्तक दिया जाए कि हर मतदाता जागरूकता के साथ जाग का प्रयोग करें और राष्ट्र के निर्माण में इसी कड़ी में निर्वाचक अग्रणी। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जनपद गोरखपुर में आज एक पहली पहल हो रही है कि कोई ट्रांसजेंडर व्यक्ति किसी आधिकारिक मंच पे आके पहली बार बोलने जा रही है, तो मैं आप सभी अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि पहली बार आप लोगों ने मौका दिया और ये हमारी पहली है। हमारी झिझक भी छूट सकती है, मुझसे कोई गलती भी हो सकती है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी पहले से, और बहुत भाव विभोर भी होने जा रही हूँ शायद मैं, क्योंकि मुझे इतना खुशी मिल रही है पहली बार कि मैं आज किसी अधिकारी मंत्री बोल रही हूँ। तो मैं जानती हूँ कि बहुत हमारा शेड्यूल प्रोग्राम है और बहुत अच्छा कार्यक्रम है और इसको मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, फिर भी मैं एक बात करूँगी कि आज एक नई पहचान मिल रही है ट्रांसजेंडर समुदाय को जनपद गोरखपुर से, माननीय मुख्यमंत्री जी के शहर से, और मुख्यमंत्री जी ने हम समुदाय को पहचान देने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे पिछले कुछ महीनों पहले ही ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड, जो किन्नर समुदाय के वेलफेयर के लिए बोर्ड होता, गठन हुआ, जिसकी सदस्य माननीय किरण नंदगिरी जी जो हमारे जनपद गोरखपुर से ही आती हैं और उनकी मुख्य शिष्या मिस नंदिनी जी भी आई हुई हैं जो हमारे बीच में है, कृपया हाथ उठा दीजिएगा। तो और हमारे साथ हमारे किन्नर साथी भी आए हुए हैं, हमें थोड़ा जल्दी पता चला इस कार्यक्रम के बारे में, तो शाम में ही हमें समाचार निदेशक जी के द्वारा पता चला, तो हम लोग जो भी हो सके लोग आए, लेकिन फिर भी हमारी आज उपस्थिति हो गई ये बहुत बड़ी बात है और हमारे द्वारा हमारे समुदाय को हमारा कर्तव्य है कि हम अपने लोगों को ये बताएं कि निर्वाचन के मुद्दे पे हमारा योगदान और हमारी भूमिका कहाँ कितनी तय करनी है, हमको ये बातों के बीजों में हम लोगों को आगे बढ़ना है और हमें आगे कैसे मतदान के विषय पर अपनी बारे में बात रखनी है। लेकिन उसके बाद तो करते हुए सभी, मैं आज क्योंकि यहाँ पे जनपद के बहुत सारे अधिकारीगण बैठे हुए हैं और शायद वो मेरी बात को समझ पाएंगे कि किन्नर समुदाय आज भी अपनी पहचान को लेकर बहुत ही ज़्यादा बाट जोड़ रहा है कि किन्नर समुदाय के पास पहचान नहीं है। श्रीमती शीला शर्मा गोरखपुर ग्रामीण से ही क्षमा करनी जी के पश्चात हमारे सम्मानित होने वाले सुश्री रिंकी शर्मा जी, श्री रामफल यादव जी, श्री तिजरा जी बघेल जी सभी नव मतदातागण और सम्मानित साथीगण, सबसे पहले तो आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस की ढेर सारी बधाई शुभकामनाएं आप सबको और आपके माध्यम से यहाँ के उपस्थित सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से जनपद के सभी सम्मानित मतदाताओं को हम जिला प्रशासन की ओर से तहे दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और आभार प्रकट करना चाहेंगे। और जैसे आज माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने हमें शपथ दिलाया, उस संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने का एक दृढ़ संकल्प लेते हुए आगे बढ़ेंगे। मैं आज के इस शुभ अवसर पर आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा और इसकी पृष्ठभूमि आपके सामने रखना चाहूंगा। विंस्टन चर्चिल के साथ एक बार दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह बात पूछी गई कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत कौन सी है, तो उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर व्यक्ति, सबसे कमजोर वर्ग के व्यक्ति भी देश के किसी कोने में जाके
हर 5 साल में अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करता है, स्याही लगा के वहां पे अपना मत स्थिर करता है और वहां वोट डालता है, वही दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन ने बहुत बड़ी जीत आगे रह के की थी, बहुत बड़ा संग्राम जीता था। विंस्टन चर्चिल को लगा कि हम आसानी से इलेक्शन जीत जाएंगे और हम सर्वोपरि बनेंगे, लेकिन ब्रिटेन ने जब वोट किया तो ब्रिटेन ने उस समय ब्रिटेन की जनता ने सोचा कि हमें अभी विकास की ओर आगे बढ़ना चाहिए और दूसरी पार्टी को वोट करके जीता है, तभी ये प्रजातंत्र की ताकत है। यहां पे कितने लोगों को हमारे देश के संविधान पे गर्व है, हाथ उठाइएगा, सभी को गर्व है। तो हमें एहसास करना चाहिए और हमारे सभी सम्मानित मतदाताओं को अपने आप के साथ एक संवाद स्थापित करना चाहिए कि अगर 2017 में हमारे विधानसभा चुनाव में हमारा मतदान प्रतिशत करीब 56% रहा है तो क्या ये गौरव का विषय है, क्या ये आलोचना का विषय नहीं है? और इस बार हम सब ने ये संकल्प लिया है कि हम इस मतदान प्रतिशत को कम से कम 70% से ऊपर लेके जाएंगे और इसमें सभी मतदाताओं का योगदान आवश्यक है। हम लोगों ने सभी मतदाता बूथों पर ये व्यवस्थाएं की हैं, मूलभूत व्यवस्थाओं के लिए संतृप्तिकरण की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी सुगम व्यवस्था के साथ मतदाताओं को अपना मतदान अधिकार प्रयोग करने के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं करने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे वो स्कूलों में हो, पंचायत भवनों में हो, वहां पे पेयजल शौचालय की व्यवस्था और वहां पे बूथों के लिए अच्छी सुगम व्यवस्था के लिए व्यवस्था की गई है। हमारे दिव्यांग मतदाताओं के लिए वहां पे रैंप की व्यवस्था, वहां पे साइनेजेस की व्यवस्था, वहां सारे मतदान कर्मचारियों के लिए अच्छी व्यवस्थाओं के लिए कोशिश की गई है और अच्छे बूथों की व्यवस्था आपको लिए बनाई गई है माननीय आयोग के निर्देशों के क्रम में। इस बार आपके सुरक्षा के लिए केंद्रीय सुरक्षा बल के साथ, राज्य सुरक्षा बल के साथ वेबकास्टिंग की व्यवस्था, कम से कम 50% बूथों में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती, पूरी फोर्स की व्यवस्था आपकी सुरक्षा के लिए वहां तैनात की जाएगी। अधिकारी वर्ग के सानिध्य में जनपद पूरा मंडल पूरा प्रदेश और राष्ट्र पालन में मतदाता दिवस के अवसर पर उन्हें सम्मानित करेंगे कि आप मंच पर इस धरती पर अपनी कांतिमय उपस्थिति से इस मंच को सुशोभित करते हुए जिले के यशस्वी जिलाधिकारी महोदय, जो इस मतदान अभियान समर के अग्रदूतों की श्रेणी में सिरमौर हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम पूरी ऊर्जा के साथ लगी हुई, एडीएम साहब, सीडीओ साहब, मजिस्ट्रेट साहब, और यदि मैं आपको संबोधित न करूं प्रारंभ में तो आज के कार्यक्रम का कोई औचित्य ही नहीं प्रतीत होता है। प्रेस से आए हुए बंधुओं, मेरे लिए बड़ा सहज नहीं है न्यायालय की चार दीवारी से निकलकर आपके मध्य आना। यह आज का अवसर निश्चित रूप से विचार करने के लिए प्रेरित कर रहा है। क्या वजह है एक न्यायिक अधिकारी आज आपके मध्य आकर आपसे वार्ता करना चाहता है? मैं धन्यवाद दूंगा सर्वप्रथम इस पवित्र भूमि के, जिले के कर्ता धर्ता युवा ऊर्जावान यशस्वी जिलाधिकारी महोदय को, जिन्होंने आज मुझे इस अवसर पर आने के लिए आमंत्रित किया। मैं आभार प्रकट
प्रकट करता हूं पूरे स्थानीय जनपद प्रशासन का। यद्यपि न्यायालय में हम न्यायिक कार्य में विरत रहते हैं, लेकिन आज का यह अवसर निश्चित रूप से मैं आपसे कुछ वार्ता करना चाहता हूं। कुछ भी कहने से पहले एक छोटी सी कहानी है, हमने बचपन में कहीं पढ़ी, वह आपसे साझा करना चाहता हूं। एक समय की बात है, किसी एक स्थान पर एक भिक्षु भिक्षा मांगा करते थे और वो जिस स्थान पर बैठकर आने जाने वाले राहगीरों से भिक्षा मांगते थे वो थोड़ा ऊंचा स्थान था, किले के रूप में था। कुछ दिनों बाद उनका देहावसान हुआ और उनके मरने के बाद स्थानीय लोगों ने सोचा यह भिखारी या भिक्षु इस स्थान पर बैठकर भिक्षा मांगता रहा है और मांगते मांगते आज इसने अपने शरीर को अपने प्राणों को त्याग दिया है। आखिर इस ऊंचे स्थान पर यह बैठता था, आओ इस ऊंचे स्थान को देखें क्या है इसके अंदर। लोगों के सहयोग से उस ऊंचे स्थान की खुदाई की गई, उसके नीचे बहुत सारे हीरे जवाहरात रत्न मोती बेशकीमती आभूषण पाए गए। मैं ये तो नहीं समझता कि मेरी बातें कहां किसके दिल में कितना उतर रही हैं, लेकिन एक प्रयास मैं ईमानदारी से करना चाहता हूं और करता रहा हूं कि अपने आप को हम देखें, क्या हम उस भिखारी की भांति पूरे जीवन भिक्षा नहीं मांग रहे हैं और ऐसे स्थान पर बैठ के भिक्षा मांग रहे हैं जहां सब कुछ स्वयं समाहित है हमारे अंदर। आज का यह राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय मतदान दिवस के ऊपर आयोजित किया गया है, मुझे कमोबेश वैसा ही प्रतीत हो रहा है। यह पर्व नहीं, यह शक्ति का आह्वान है, यह उत्सव नहीं, यह कोई कार्यक्रम नहीं, यह आपको जगाने का एक प्रयास है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर माननीय जनपद न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक बहुत ही सफल कार्यक्रम यहां आयोजित किया गया और उसी तरह हर तहसील में कार्यक्रम आयोजन हो रहे हैं। हमारे BLO हमारे सभी शिक्षक साथीगण घर घर संपर्क कर रहे हैं और ये अभियान लगातार अभी 3 मार्च तक चलता रहेगा ताकि लोगों को हम प्रेरित कर सकें। मैं सभी को बधाई देता हूं आज के इस शुभ अवसर पर और आग्रह करता हूं कि 3 मार्च को हमारे मतदान के दिवस अपने मतदान अधिकार का प्रयोग करें। मैं सभी हमारे मतदाताओं को बधाई देता हूं कि वो अपने मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कर चुके हैं, अभी उनको एपिक कार्ड बटा होगा और मतदान पर्ची भी फरवरी में बटेगा। उसके पश्चात मैं अनुरोध करूंगा कि सभी 3 तारीख को अवश्य उत्सव की तरह मनाते हुए मतदान अधिकार का प्रयोग करें। वे उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLOs सुपरवाइजर्स और हमारे विशिष्ट मतदाताओं को पुरस्कृत भी किया गया माननीय मुख्य अतिथि द्वारा और ये सिलसिला लगातार बरकरार रहेगा। जो भी मतदान अभियान में बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग करेंगे या योगदान देंगे उनको विभिन्न स्तरों पर पुरस्कृत किया जाएगा और उनका नाम एक उदाहरण के रूप में अन्य लोगों को प्रदर्शित किया जाएगा। दिव्यांग मतदाता हैं उन पर हमें बहुत गर्व है कि उन लोगों ने अपने मतदान अधिकार का प्रयोग निरंतर किया है। ऐसे चैंपियंस को हम सभी अन्य मतदाताओं के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करते हुए उनको हम सम्मानित कर रहे हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस से अभी तो मैंने अंदर कहा, पुनः उसको दोहरा देता हूँ, सभी लोगों से अपील है ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें, हैं, देश को मजबूत बनाएं, तभी देश तरक्की कर सकता है ना। नए युवा जुड़े हैं मतदाता में, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? उनको और दुगने जोश और उत्साह के साथ लगना चाहिए,